हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है राजवीर शर्मा। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप घर बैठे लॉकडाउन में आधार कार्ड के जितने भी काम हैं वो कैसे घर पे बैठे हुए कर सकते हैं। टॉप 12 वर्क जो है वो आप घर पे बैठे आधार कार्ड को अपडेट, वेरीफाई, QR स्कैन वगैरह वगैरह ये सब कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आज के वीडियो में मैं आपको ये टोटली बताऊंगा कि आप कैसे आधार कार्ड में जो है अपना जो आधार कार्ड नंबर है उसे वेरीफाई कर सकते हैं, एनरोलमेंट नंबर वेरीफाई कर सकते हैं, या फिर QR कोड स्कैन कर से मतलब जनरेट कर सकते हैं, या फिर अपना आधार कार्ड पर एड्रेस है उसे कैसे चेंज कर सकते हैं। तो काफ़ी ईजी है। आप तो सबसे पहले UIDAI ये वेबसाइट के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पर सर्च करें UIDAI, ये सर्च करिए, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है आधार कार्ड की, ठीक है। लोकेशन मांग रहा है, मैं टिप कर देता हूँ। अब ये देख सकते हैं, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं गेट आधार, अपडेट आधार, आधार सर्विस। आधार सर्विस में आप जाके यहाँ पे वेरीफाई आधार नंबर, वेरीफाई ईमेल, मोबाइल, ठीक है, VID जनरेट, आधार पेपरलेस, ऑफलाइन EKYC, लॉक अनलॉक, बायोमेट्रिक्स, ये सब कर सकते हैं। ओके, ये तो हुआ ऑफिशियल वेबसाइट पे आप कर सकते हैं। बाकी आप अगर मान लीजिए अगर वेबसाइट नहीं पता है तो आप कैसे कर सकते हैं, तो काफ़ी ईजी है। और इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बना रखी है कि आप कैसे आधार कार्ड नंबर को चेक कर सकते हैं कि वो बैंक में लिंक है या नहीं लिंक है, तो वो अभी आप काफ़ी ईजी से चेक कर सकते हैं। तो उसकी वीडियो मैंने पहले ही बना दिया है, तो उसे अगर आपको देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं कि आपका आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक है या नहीं है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है सिंपली UIDAI। जैसे सर्च करेंगे आपके सामने ये ऐप आ जाएगा एम आधार। इसे मैंने मतलब पहले से डाउनलोड कर रखा है, तो आपको भी यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है और ओपन करना है। जैसे आप ओपन करेंगे, ये आपके नेटवर्क पे डिपेंड करता है। अगर नेटवर्क आपका सही रहेगा तो जल्दी वर्क करेगा, अगर नेटवर्क स्लो होगा तो स्लो वर्क करेगा, ठीक है। यहाँ पे मेरा नेटवर्क थोड़ा स्लो है, इस वजह से ऐसा थोड़ा टाइम ले रहा है, वेट कर सकते हैं। ओके, जैसे आप ओपन करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पे 12 सर्विस दी जा रही है आधार कार्ड की, कि आप क्या क्या कर सकते हैं। पहला है डाउनलोड आधार कार्ड। इन केस अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है और आप उसे डाउनलोड करना चाहते हैं और मोबाइल नंबर रजिस्टर आपके पास है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक जैसे करेंगे, आपके पास अगर आधार नंबर है तो आधार नंबर, वरना वर्चुअल आईडी VID नंबर है तो वर्चुअल VID नंबर, या फिर इनरोलमेंट आईडी नंबर है तो किसी से भी आप, मान लीजिए अगर आप इनरोलमेंट नंबर से अगर करते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर डालेंगे, आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, सिलेक्ट टाइम एंड कैप्चा एंड सर्व रिक्वेस्ट OTP, जो भी नंबर आपका रजिस्टर होगा आधार कार्ड में उस पर OTP आएगा। OTP डालना, OTP डालने के बाद आपको सबमिट करना है और अपने आधार कार्ड को आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, आधार कार्ड नंबर है तो आधार कार्ड में सिर्फ आपको आधार कार्ड नंबर डालना पड़ेगा, कैप्चा डालना पड़ेगा, और जो नंबर रजिस्टर वो आपके पास होना चाहिए उसमें अवेलेबल होना चाहिए, और OTP आएगा उस पर, और OTP डालना और डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप ऑर्डर आधार रिप्रिंट, मान लीजिए कि अगर आपके पास फ़ोन नंबर नहीं है, ओके, वो फ़ोन नंबर नहीं है जिससे आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो रीप्रिंट करवा सकते हैं। यहाँ पे आप किसी दूसरे नंबर को भी डाल सकते हैं। ओके, फिर आपका पेपरलेस ऑफलाइन EKYC कर सकते हैं, रिट्राइव EID UID कर सकते हैं, जनरेट QR कोड कर सकते हैं, इस पर भी आपको मैं बता देता हूँ। एंटर आधार नंबर कैप्चा एंड रीसेंट रिक्वेस्ट OTP डालनी पड़ेगी, OTP आएगा, जैसे OTP पुट करेंगे वैसे आप जनरेट कर सकते हैं QR कोड उसका। ओके, वर्चुअल ID, QR कोड स्कैनर, अगर मान लीजिए किसी का आधार कार्ड है तो आप उसे भी स्कैन कर सकते हैं, स्कैन करके आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ओके, फिर यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, वेरीफाई आधार, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड आधार कार्ड जो हैं मार्केट में हैं, अवेलेबल हैं, जिनके पास फ्रॉड आधार कार्ड है या फिर उनसे फ्रॉड कर लिया जाता है, पैसे लेके और फ्रॉड आधार कार्ड दे दिया जाता है, या फिर आप किसी कंपनी में जाते हैं या फिर कहीं जाते हैं लोग, तो वहाँ पे जो है अपना डुप्लीकेट आधार कार्ड या फेक नंबर दे देते हैं और वो चेक कर लेते हैं और सोचते हैं कि सही है बस। तो आप कैसे किसी भी आधार कार्ड को वेरीफाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे वेरीफाई आधार कार्ड पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड नंबर जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आधार कार्ड नंबर डालना है और यहाँ पे कैप्चा और सबमिट कर देना है, बस। जैसे आप सबमिट करेंगे वैसे आपको यहाँ पे वेरीफाई दिखा देगा कि आधार कार्ड आपका वेरीफाई है। वेरीफाई ईमेल मोबाइल नंबर, अगर आपको पता नहीं है कि आपके पास कौन सा मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी वेरीफाई है, तो आपको कुछ नहीं करना, अगर मोबाइल नंबर को चेक करना है तो मोबाइल नंबर पे क्लिक करना है, यहाँ पे अपना आधार नंबर और मोबाइल नंबर डाल के कैप्चा डाल के वेरीफाई करना है।
जो भी होगा वो यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा। ईमेल आईडी को भी आप चेक कर सकते हैं, इसी तरीके से सेम प्रोसेस है। इसके अलावा आप अपडेट एड्रेस ऑनलाइन कर सकते हैं, अगर मान लीजिए एड्रेस गलत है तो आप यहाँ पे जाके क्लिक करके आधार नंबर कैप्चा डालेंगे, रिक्वेस्ट ओटीपी जो भी नंबर रजिस्टर है आधार कार्ड में वो डालेंगे और रिक्वेस्ट ओटीपी डालेंगे तो आप वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। फिर रिक्वेस्ट एड्रेस वैलिडेशन लेटर, आप लेटर के अकॉर्डिंग भी अपना जो है एड्रेस चेंज कर सकते हैं। फिर है आधार अपडेट हिस्ट्री, अगर आपने अपना आधार कार्ड अपडेट कराया है और आपको उसकी हिस्ट्री जाननी है तो भी आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, आधार नंबर डालेंगे और कैप्चा डालेंगे और रिक्वेस्ट ओटीपी डालेंगे, जो नंबर रजिस्टर है आधार कार्ड में उस पर ओटीपी आएगा और आप ऐसे कर सकते हैं। तो आई थिंक यहाँ पे इस ऐप में सिर्फ आपको 12 मतलब सर्विस दी जा रही है आधार कार्ड से रिलेटेड, आप 12 चीज़ें कर सकते हैं। तो ये आई थिंक ये ऐप काफ़ी अच्छा है आपके लिए, इस ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड करके रखें। आई थिंक ये ऐप आपके कभी भी काम आ सकता है, किसी को हेल्प चाहिए होगी तो आप उसकी हेल्प कर सकते हैं, वेरीफाई आधार कार्ड चेक कर सकते हैं, उसका डाउनलोड आधार कार्ड कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है और ये काफ़ी अच्छा ऐप भी है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, माई आधार पे जाके यहाँ पे क्रिएट पासवर्ड कर सकते हैं, कि अगर इनके साथ चाहते हैं कि ये जो ऐप है सिर्फ आप ही ओपन कर सके तो यहाँ पे जाके माई आधार पे जाएंगे और यहाँ पे पासवर्ड डाल देंगे ताकि आप ही इसे अनलॉक कर सके और लॉक कर सके और कोई दूसरा बंदा ना कर सके। इनरोलमेंट सेंटर का मतलब है कि मान लीजिए आपको ये सारी सर्विस नहीं आती, जैसे अगर लॉकडाउन खुल जाता है फिर भी आप इसे अपने पास रख सकते हैं, अगर लॉकडाउन खुलता है और आपको अगर ये सर्विस एक्टिव नहीं करनी आ रही या नहीं चेक करना आ रहा तो आपको इनरोलमेंट सेंटर पे जाना है, यहाँ पे जो भी आपका एरिया है वो डालना है और एरिया डालने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करते हैं, मान लेता हूँ मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ लखनऊ, ओके मैं यहाँ पे लखनऊ सर्च करता हूँ, सॉरी यहाँ पे मेरा आई थिंक नेविगेशन ऑन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं आधार सेंटर है यहाँ पे कहाँ कहाँ पे है, ओके यहाँ पे आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे है, तो ये आप देख सकते हैं ईजली। तो आई थिंक काफ़ी अच्छा ऐप है, तो आप भी अपने फ़ोन में तुरंत ही इस ऐप को डाउनलोड करें और ये जो सारी सर्विस है इसका आई थिंक आप भी इन सारी सर्विस को यूज़ करना सीखें, क्योंकि लाइफ में आपके लिए या फिर कभी ना कभी आपको ये सारी चीज़ें खुद करनी आनी चाहिए, या फिर ये सारी चीज़ें अगर आपको आएगी तो लाइफ में कभी ना कभी ये आपके काम जरूर आएगी और आप किसी की हेल्प कर सकते हो, या फिर आप इससे आई थिंक इन्फॉर्मेशन ये आपके लिए काफ़ी अच्छी नॉलेज है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और इस वीडियो में मैं शायद आपको आधार कार्ड से रिलेटेड जो भी मतलब इस सर्विस है उसके बारे में शायद मैं सही ढंग से बता पाया हूँ। तो अगर सही ढंग से मैं बता पाया हूँ तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।